सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, कैसी हैं? कैसे रहेंगे सर, हम गरीब लोग हैं और गरीबों का जीवन जैसे चलता है ना सर, उसे हमारा भी चल रहा है सर। अच्छा, कहाँ से आप? सर मैं मधुबनी जिला से आया हूँ सर, जो कि इस इंडियन आइडल के मंच से बहुत दूरी पर पड़ता है सर। क्या नाम है आपका? मैडम जी मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, आपके साथ कोई आए हैं? नहीं मैडम जी, हमारे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। अच्छा, और आप काम करती हैं घर संभाल? मैडम जी मैं तो दोनों चीज कर लेता हूँ, काम भी करता हूँ और साथ साथ अपने घर का देखभाल भी कर लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ। ओके। और बड़ा बेटा होने के कारण घर का जिम्मेदारी मुझ पर ही है और मैं गरीब इंसान हूँ, इसी कारण से मैं काम करते रहता हूँ। मैडम जी मेरे 4 फैमिली है। अच्छा। 2 बहन है और मैं अकेला भाई हूँ और मेरी माँ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मैं जब 5 साल का था ना, उसी समय मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और मेरे पिताजी अब तो बूढ़ा भी हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने भी बहुत दिक्कत होता है सर। उन्हें दवा लाने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं उनको दवा ला कर दे सकता हूँ। क्या सपने हैं बेटा धर्मेंद्र आपके? मैडम जी मेरा तो एक ही सपना है कि मैं जिस दलदली में हूँ ना, ओके, मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं जिस प्रकार में अपना परिवार का स्थिति है, मैं उस स्थिति से निकलना चाहता हूँ और मैं अपने दोनों बहनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं इस दलदली से निकलना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और नीच जाति से हूँ और मेरे बहन का इतना उम्र हो गया है कि शादी करने लायक है और लोग बहुत ऐसा ताना मारता है कि मैं क्या बताऊं, दिन रात घुट घुट के जीना पड़ता है सर। मैं गरीब हूँ ना, इसी कारण से मैं अपने बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं अगर यहाँ से, अगर इस इंडियन आइडल के मंच से मैं जीत कर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने बहन के लिए कुछ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग ताना मारते हैं, कुलक्ष नहीं बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं सर कि मैं क्या बताऊँ, घटिया समाज के रहने वाले लोग होते हैं। और जब भी लोग रिश्ता आता है मेरे बहन के लिए तो घूर के चल जाता है सर, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं रह पाता है, डिमांड इतना पैसा के करते हैं सर कि मैं कहाँ से दे पाऊँगा। अब तो लड़की देखने के लिए भी आता है तो घूर के चल जाता है, रिश्ता भी नहीं आ पाता है सर मेरे बहन के लिए, क्या बताऊँ सर। अभी फोन आएगा, धर्मेंद्र की बहन कौन है? सबका नजरिया बदल जाएगा। अब रिश्ते सामने से आएंगे। धर्मेंद्र, जितने कंटेम्प्रेरीज मैंने देखे हैं, शायद सबसे ज्यादा आपका कंटेम्प्रेरी एक्ट है जो दिल को छुआ। मंच पे ना बड़े बड़े सपने साकार होते हुए देखे, बहुत बड़े बड़े सपने साकार होते। और धर्मेंद्र आपके अभी सपने जो है ना, आपके परिवार का सपना यहाँ पे जरूर साकार होगा। अब तो दिन बदल गया आपके घर के, धर्मेंद्र आप इस मंच पे आ गए हो और आपके घर पे तो नचपन का त्योहार अभी आ गया, पूरे साल चले। क्या गाने वाले हो आज? कुछ क्लासिकल एकदम बंदिश टाइप का? सर आज मैं रक्षाबंधन का एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ सर, जिसे सुनकर आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा सर। बहुत दर्द भरा गाना है जो कि मैं सभी बहनों के लिए गाना चाहूंगा सर। क्या बात है यार, वाह। म्यूजिक।